हर एक दिन आपके सामने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं रखता हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ मैं 4 से 5 क्वेरी कवर करता हूँ। इन्वेस्टर को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इतना ज़्यादा हेल्प करूँ कि फिनांशियल डिसीजन लेने में, स्पेशली जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेरी के साथ। सर, लमसम कितने बजे तक करना चाहिए? देखिए, जब आप देखते हो कि मार्केट में गिरावट है और उस दिन का एनएवी आपको चाहिए, तो कोशिश करो कि आप 12-1 बजे के पहले यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें एज ए लमसम। तब ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि आपको सेम डे का एनएवी मिले। देखो, ऐसे तो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लमसम कर रहे हो तो 3 बजे के पहले अगर आप लमसम करते हो तो वहाँ सेम डे का आपको एनएवी मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐप हैं, बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अपना अपना रूल एक लेके आए हैं कि एग्जैक्टली 12 और 1 बजे के पहले आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको सेम डे का एनएवी मिलने का चांस होगा। तो अगर आपको यहाँ पे सेम डे का एनएवी चाहिए, चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा अगर आप यहाँ पे 12 और 1 बजे के पहले लमसम करोगे। काफ़ी कम चांसेस होगा अगर आप 12-1 बजे के बाद लमसम करते हो, 3 बजे के पहले करते हो, तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आपको अगले दिन का एनएवी मिले। तो आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जब लमसम करने जाते हो तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें कि आपको 12 और 1 बजे के पहले ही लमसम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी नमस्कार, मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ, मैं एक जानकारी चाहता हूँ। मैंने SBI लार्ज एंड मीड के SIP 1 साल से कर रहा हूं और मुझे 12% का रिटर्न मिला है, क्या ये फंड सही है? लॉन्ग टर्म में इसे ज़्यादा रिटर्न के लिए मैं SBI मैग्नम मीट के फंड में स्विच करूं सही रहेगा? थैंक्स इन एडवांस। ये SBI लार्ज एंड मीड कैप फंड की बात करूं तो उसमें लार्ज कैप और मीड कैप का एलोकेशन है। देखो, यहाँ पे जो रिस्क है वो जो आप SBI मैग्नम मीड कैप से कंपेयर कर रहे हो कम देखने को मिलेगा रिस्क के मामले में, और SBI मैग्नम मीड कैप में रिस्क ज़्यादा होगा। अगर आप सिर्फ पैसा बनाने के पीछे हो कि रिटर्न ज़्यादा मिले, आप रिस्क फेस कर सकते हो, तब तो आप SBI मैग्नम मीड कैप में पार्टिसिपेट क्यों करोगे? आप SBI स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट करो, वहाँ तो मीड कैप से भी ज़्यादा पैसा बन सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप रिस्क कितना ले सकते हो। लेकिन अगर आपका रिटर्न ही मेन मकसद है, लंबे समय में अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, तो फिर मैं तो SBI मैग्नम मीड कैप की जगह आपको स्मॉल कैप के लिए एडवाइस करूँगा। देखो, SBI मैग्नम मीड कैप कैटेगरी में भी अच्छा फंड है, लेकिन जो आप रिटर्न के पीछे भाग रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ। तो आप ये डिसीजन ले सकते हो, लेकिन रिस्क अगर कम रखना चाहते हो कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, स्मॉल कैप के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, तो आप SBI मैग्नम मीड कैप में यहाँ पे अपना पैसा स्विच कर सकते हो। देखो, SBI लार्ज एंड मीड कैप अपने कैटेगरी में अच्छा है, बट रिटर्न के मामले में आपको SBI मैग्नम मीड कैप से कम देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। सर, अगर हम टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम बाद रिडीम करें तो क्या टैक्स लगेगा? LSS म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे स्पेशली बेनिफिट क्या होता है? आपको ATC का बेनिफिट मिलेगा, 1.5 लाख हर साल आप इन्वेस्टमेंट करोगे अगर इसमें तो आपको वहाँ पे रिबेट देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक 1010D का रिबेट होता है, जी हाँ, जो स्पेशली आपका मेच्योरिटी अमाउंट होता है उस पे देखने को मिलता है, वो म्यूचुअल फंड में नहीं है। इट मीन्स कि मान लो यहाँ पे आपका ELSS फंड का वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स 10 लाख हुआ, आपने सिर्फ यहाँ पे जो पैसा जमा किया था वो 2.5 लाख रुपए जमा किया था, लेकिन अब जो 10 साल के बाद देखने को मिल रहा है कि उसका वैल्यू 10 लाख है, तो अगर देखोगे तो वहाँ पे लंबे समय का जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 7.5 लाख का है। अब 7.5 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होगा, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसमें 10% का डिडक्शन होगा और वो जो पैसा बचेगा वो आपके इनकम में भी ऐड हो जाएगा। तो 1010D का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन ATC का बेनिफिट मिल सकता है। ELSS फंड में जब हम पैसा लगाते हैं तो ईयरली बेसिस पे जो रिबेट मिलता है ATC का वो हम इससे अचीव कर सकते हैं, लेकिन 1010D जैसा रिबेट जैसे LIC में मिलता है, आपको कोई यूलिप प्लान हो उसमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पे रिबेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। काफ़ी समराइज करके बात करूं तो जो आप चाहते हो कि मैच्योरिटी में मान लो 10 साल बाद पैसा जो दिखेगा प्रॉफिट के तौर पे उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं, तो यहाँ पे टैक्स लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। इफ़ यू स्टॉप SIP सम मंथ्स
और ईयर देन कैन वी कंटिन्यू और री स्टार्ट दैट एस आई पी अगेन। देखिए मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था कि आप अपने एस आई पी को कभी भी बंद कर सकते हो और जो उसमें पैसा जमा है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो ग्रो होता रहेगा मार्केट के अकॉर्डिंग। मार्केट जैसे मूव करेगा वहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट में गिरावट हो तो वहाँ दबाव भी देखने को मिल सकता है। अब उस वीडियो में एक क्वेरी है कि क्या अगर हम यहाँ पे एस आई पी को क्लोज कर देते हैं कुछ मंथ के लिए और फिर हम यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एस आई पी पॉज का ऑप्शन को समझते हो, इट मीन्स कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 2 से 3 महीने का यहाँ पे एस आई पी स्टॉप कर दूं, तो आप एस आई पी पॉज के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। 2 से 3 महीने अगर आप वहाँ पे स्टॉप चाहते हो तो ऑटोमेटिक 4th महीने से आपका एस आई पी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3 महीना आपका एस आई पी डिडक्ट नहीं होगा आपके बैंक अकाउंट से। लेकिन अगर लंबा समय, इट मीन्स कि आप 8 महीने 9 महीने के लिए एस आई पी स्टॉप करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे एस आई पी कैंसिल करना पड़ेगा या एस आई पी स्टॉप करना पड़ेगा, पॉज का सिलेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। इसमें अगर आप फिर से एस आई पी स्टार्ट करना चाह रहे हो, एक नया एस आई पी स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नया फोलियो नंबर होगा। अब उसको बाद में आप उस फोलियो नंबर को पुराने वाले फोलियो नंबर के साथ मर्ज करवा सकते हो। इट मीन्स कि अगर आप पॉज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो 3 महीने बाद ऑटोमेटिक एस आई पी स्टार्ट हो जाएगा, 3 महीना आपका एस आई पी डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एस आई पी कैंसिल कर देते हो, 8 महीने 9 महीने आपने एस आई पी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया है, तो ऐसे स्थिति में वो एएमसी के साइड से एस आई पी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्टेड रहेगा, मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको फिर से एस आई पी करना है तो आप नया एस आई पी स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उस नए एस आई पी में जी हाँ आपको जो भी रिटर्न मिलेगा और जो पुराने एस आई पी में जो रिटर्न मिलेगा वो कंसोल होकर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, फोलियो नंबर भी सेम हो, मैं फोलियो नंबर यहाँ पे अलग नहीं करना चाहता हूँ, आप एएमसी से रिक्वेस्ट करके दोनों फोलियो नंबर को आप कंसोल कर सकते हो। अगर एसबीआई स्मॉल कैप में आप पैसा लगा रहे हो, एसआईपी कर रहे हो और आपका फोलियो नंबर वहाँ पे 1, 2, 3 है, आपने वहाँ पे एसआईपी कैंसिल कर दिया, 8 महीने 10 महीने के बाद आप ये सोच रहे हो कि नहीं एसआईपी मुझे फिर से स्टार्ट करना है, तो आप एक न्यू एसआईपी स्टार्ट करते हो, जी हाँ, और वहाँ पे फोलियो नंबर आपको 4, 5, 6 देखने को मिल रहा है। कुछ दिन आपने वहाँ पे एस आई पी कंटिन्यू किया, अब आप एएमसी को रिक्वेस्ट करो कि जो एस आई जो फोलियो नंबर 1, 2, 3 है और एक फोलियो नंबर 4, 5, 6 है, इसको आप मर्ज करो, तो वो पॉसिबल हो सकता है। कुल मिला के पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका एस आई पी कैंसिल हो गया, कुछ ज़्यादा महीने 8 महीने 10 महीने आपने एस आई पी डिपॉजिट नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, तो भी आप एस आई पी को स्टार्ट कर सकते हो।